25 और आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब आप रीग्रुपिंग भी कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वंस वाले नंबर जो है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वंस स्पेस पे क्या है, 7 एंड 5, तो 7 एंड 5 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12। तो 12 को हमें यहाँ पे पूरा हम 12 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका 2 और 1 जो है हमारा ऊपर कैरी चला जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा 1 प्लेस का ऐड हो गया। अब है हमारा 10 प्लेस का, तो इसको ऐड करना है। तो अब हमारे पास आप नंबर देखोगे 1 है, प्लस 9 है और प्लस 7 है। तो जब आप इन तीनों नंबर को ऐड करोगे तो क्या होता है, 1 और 9 10, 10 और 7 17, तो आपके पास आता है नंबर 17। तो आपको 17 का क्या लिखना है, 7 आप यहाँ पर लिखेंगे और 1 जो है आपका 100 प्लेस पर जाएगा। अब आप 100 प्लेस वाला ऐड करोगे तो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने 1 जो कैरी दिया था, देन अगेन 1 है और 8। अब आप इन तीनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या नंबर आता है, 1 और 1 2 2 और 8 10, तो आपके पास नंबर आता है 10। तो आप 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 और यहाँ पे आपका क्या जाएगा, कैरी 1। अब आपका 1000 प्लेस का हमें ऐड करना है, तो 1 जो आपका कैरी था ऊपर, 3 और 2, तो इसको प्लस करेंगे, 1 और 3 4 और 4 में हम 2 प्लस करेंगे तो 6। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। तो हमारा आंसर इनको ऐड करके क्या हुआ, 6072। ऐसे ही आप नीचे एक और एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 1095 प्लस 2345, और आपको बॉक्स में आंसर लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, 1095 को आप वही वंस हंड्रेड सॉरी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो आपने लिखा 1095 और प्लस करेंगे 2345। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वंस प्लेस को ऐड करना है। तो 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 आप पूरा कंप्लीट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे इसका, 0 0 यहाँ पर लिखेंगे और 1 हमारा जाएगा यहाँ पर। अब हमें 10 प्लेस का ऐड करना है, तो 1 हमारा कैरी था, प्लस 9 प्लस 4, ये 10 प्लेस वाले हैं। तो आपको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो 1 और 9 10, 10 और 4 14 आता है। तो 14 का क्या लिखेंगे आप, 4, तो 4 आप यहाँ लिखेंगे और 1 आपका कैरी। अब 100 प्लेस का ऐड करना है, तो 100 प्लेस पे क्या है हमारा, 1 प्लस 0 प्लस 3, तो 1 में हम जब 0 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1 और प्लस 3 ये आ गया हमारा 4। तो अभी हमें कुछ कैरी नहीं देना है इसको, तो 4 एंड 1 और 2 3, तो हमारा आंसर आ गया 3440। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3440। अब हमारे यहाँ पे है एडिंग 3 नंबर्स। अभी तक आपने 4 डिजिट्स नंबर किए थे और उसमें दोनों में ही 4 डिजिट्स थे। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे जो मैंने नंबर्स दिए हैं उसमें एक में तो 4 डिजिट्स हैं, एक में एक ही डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। तो आप इनको ऐड कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे कि हमें पता है कि बड़े से छोटा होता है, असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमारा ये वाला नंबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1223, फिर हमारा कौन सा है 45, एंड देन हमारा कौन सा है 6। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको वर्टिकली लिखेंगे, 1223 45 एंड 6 यहाँ पे वंस प्लेस पे है,
45 हमारा टेंस प्लेस पे और ये हमारा थाउजेंड की प्लेस पे है, तो ये वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड। अब आप इनको लिख के और प्लस करेंगे, तो अभी हमारे वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं, थ्री प्लस फाइव प्लस सिक्स, तो इनको हम ऐड करेंगे तो थ्री और फाइव एट एंड एट और सिक्स फोर्टीन। तो फोर्टीन का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर और वन हमारा कैरी ओवर जाएगा। अब टेंस प्लेस में हमारे क्या क्या हैं, वन प्लस टू प्लस फोर और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जीरो है, इसको छोड़ देंगे। अब इसको ऐड करेंगे वन और टू थ्री और थ्री और फोर सेवन, तो हमारा कैरी कुछ नहीं जा रहा है सेवन। अब हंड्रेड प्लेस पे हमारा टू है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या आएगा हंड्रेड प्लेस पे टू। ऐसे ही थाउजेंड के प्लेस पे हमारा कुछ नहीं है, वन है ओनली, तो ये हमारा आ गया वन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1274।